नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। सीधा सवाल, आखिर दिल्ली का मीडिया भारतीय जनता पार्टी और देश के गृहमंत्री अमित शाह को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? बिहार प्रकरण में जिसमें नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीतिक पटखनी दी, उनके पैरों तले राजनीतिक जमीन खींच दी, उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो शर्मिंदगी हुई है, उसके लिए दिल्ली का मीडिया, गोदी मीडिया आखिर क्यों अनाप शनाप बातें लिखकर भारतीय जनता पार्टी को बचने का रास्ता दे रहा है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। दोस्तों, दो खबरें देना चाहूंगा इत्तेफाकन। इसमें से एक तो वो समाचार एजेंसी है जो कि गोदी मीडिया है, मगर दूसरी जो समाचार एजेंसी है उसके लिए मेरे मन में बेतहाशा इज्जत है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि नीतीश कुमार उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। यही जुबान इस्तेमाल कर रहा है एनडीटीवी। एनडीटीवी ने भी अपने इस लेख में कहा है कि नीतीश कुमार को मनाने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। नीतीश कुमार की कई मांगे थी, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो वो मांग पूरी कर सकती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं साहब, हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा, कल मैंने आपको बतलाया था कि अंबानी न्यूज चैनल की एक पत्रकार बोल रही थी कि इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आ जाएगी और इसके जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कब होता है। हर सूरत हाल में बीजेपी को फायदा, यानी कि महाराष्ट्र सरकार में आपने एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों को ईडी के जरिए बरगलाकर वहां की सरकार तोड़ दी, वो भी मास्टर स्ट्रोक। मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, वो भी मास्टर स्ट्रोक। कर्नाटक में सरकार गिरा दी, वो भी मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान को आप डरा धमका रहे हैं, वो भी मास्टर स्ट्रोक। झारखंड में भी आप हालात को बिगाड़ रहे हैं, वो भी मास्टर स्ट्रोक। मगर जब विपक्ष ये करता है, जब नीतीश कुमार ने आपको पटखनी दे दी, तो इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं ना कि तमाम जो मास्टर स्ट्रोक हैं वो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है या देश के चाणक्य, देश के गृहमंत्री अमित शाह करते हैं? दोस्तों, मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं कि मीडिया किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी को बचा रही है और ये दुष्प्रचार कर रही है कि सरकार को बचाने का बीजेपी ने कोई प्रयास नहीं किया, नीतीश कुमार को मनाने का कोई प्रयास नहीं किया, ये सरासर झूठ है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपके सामने कुछ सवालात रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो पत्रकार ये तमाम बातें कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब दें। सवाल नंबर एक, क्या नीतीश कुमार को अमित शाह ने सोमवार को फोन नहीं किया था? सवाल का जवाब दीजिए। हकीकत यह है कि देश के गृहमंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी और यह बात खुद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को बताई थी। बड़ा प्रश्न ये कि अगर नीतीश कुमार को नहीं मनाना था तो अमित शाह ने उन्हें फोन क्यों किया? अब आप कह सकते हैं, भाई एक ही बात तो है। नहीं साहब, ढेरों बातें एक एक करके। क्या भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतीश कुमार से फोन पर बात नहीं हुई थी? बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि न सिर्फ अमित शाह बल्कि जेपी नड्डा ने भी उनके साथ संपर्क साधा था। मगर बात यहां नहीं रुकती है। तीसरा सवाल, क्या बीजेपी नेता संजय जायसवाल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद की जनता दल यूनाइटेड नेता विजय कुमार चौधरी से रविवार को बात और मुलाकात नहीं हुई थी? अब उन दो फोन कॉल्स के साथ जोड़िए इस मुलाकात को, जिसमें बीजेपी नेता संजय जायसवाल, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद मुलाकात करते हैं विजय कुमार चौधरी के साथ। क्यों? अगर आप सरकार को नहीं बचाना चाहते थे, अगर आप नीतीश कुमार को नहीं मनाना चाहते थे जो आपसे नहीं मिल रहे थे, जी हां, नीतीश कुमार किसी बीजेपी नेता से नहीं मिल रहे थे। और बात यहां नहीं रुकी, आप जानते हैं केंद्र ने कितने समारोह बुलाए मगर नीतीश कुमार किसी में नहीं गए। मसलन
जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी उनके स्वागत में डिनर हुआ, नीतीश कुमार वहां नहीं गए। नीति आयोग की बैठक हुई, नीतीश कुमार वहां नहीं गए। अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी हर घर तिरंगा को लेकर, वहां पर भी नीतीश कुमार नहीं गए। और यह सिर्फ तीन बैठकों का जिक्र मैंने किया है, कम से कम आधा दर्जन ऐसी मुलाकातें थी जो दिल्ली में होने वाली थी जहां नीतीश कुमार नहीं गए। यह सब क्या बतला रहा है? तो यह झूठ क्यों बोलता है मीडिया? इसके अलावा एक और सवाल, भाजपा नेता भूपेंद्र यादव से नाराज थे नीतीश कुमार, क्या यह सच नहीं है कि नीतीश कुमार से बातचीत के लिए धर्मेंद्र प्रधान नियुक्त किए गए थे? जी हां, भूपेंद्र यादव के हाव भाव, उनकी बातचीत, उनके लहजे से नीतीश कुमार को एलर्जी हो गई थी और नीतीश उनसे नाराज थे। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान, जी हां, इस शख्स केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लगाया था। तो सवाल का जवाब दीजिए, मैंने आपको इतनी मिसालें दी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी उनसे बात करने का प्रयास कर रही थी, तो ये मीडिया झूठ क्यों बोल रहा है? कल से लगातार झूठ बोला जा रहा है, कल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की नाक ना कटे उसकी कोशिश की जा रही है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इतनी मेहनत क्यों कर रही थी बीजेपी? सीधी सी बात है साहब, इतनी मेहनत क्यों कर रही थी? अगर भाजपा को नहीं मना रहा नीतीश कुमार को, तो इतनी मेहनत क्यों करना, इतनी दौड़ भाग क्यों करना? अगला सवाल, और फिर मीडिया क्यों बता रहा है कि भाजपा ने नीतीश को मनाने का कोई प्रयास नहीं किया? देखा कितनी आसानी से इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। इन तमाम पत्रकारों को मैं चुनौती देता हूं कि मैंने जो तमाम जानकारियां आपके सामने पेश की हैं, ये सही है या गलत, इसे गलत साबित करके दिखाएं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये बैठकें, ये मुलाकातें, ये फोन पर बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी। इत्तेफाकन एनडीटीवी ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है कि अमित शाह की बातचीत हुई थी फोन पर नीतीश कुमार से। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद की जनता दल यूनाइटेड के साथ मुलाकात हुई थी। तो जब आप खुद ये बातचीत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा क्यों आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं भाई, या क्यों आप इस पर लेखनी लिख रहे हैं? दोस्तों हकीकत क्या है, नीतीश कुमार समझ चुके थे, उनके सामने महाराष्ट्र की मिसाल थी। वो जानते हैं कि अगर इस गठबंधन का वो ज्यादा देर तक हिस्सा रहे, तो उनकी जमीन, उनका वजूद और उससे भी बड़ी बात, जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी। आपके सामने शिवसेना की मिसाल है। शिवसेना आज की तारीख में जद्दोजहद कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर जद्दोजहद कर रहा है कि शिवसेना का जो चुनावी सिंबल है, तीर कमान, वो मेरा है या नहीं। वो शिवसेना जिसकी नींव उनके पिता ने रखी थी, उसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। कितनी अजीबोगरीब बात है। इफ्तार याद कीजिए, रमजान के दौरान, इफ्तार के दौरान नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं तेजस्वी यादव से, राबड़ी देवी से। क्या आप जानते हैं उसके ठीक बाद क्या होता है? लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों को इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, उन पर दबिश शुरू हो जाती है सरकारी एजेंसीज के जरिए। मानो मोदी सरकार उनसे कह रहा हो कि नीतीश कुमार से मुलाकात मत कीजिए, वरना हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये तमाम फैक्ट्स हैं जो नीतीश कुमार के सामने थे। नीतीश कुमार के सामने दो विकल्प थे, या तो वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाएं अमित शाह के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, और उसी के साथ उनका वजूद भी खत्म हो जाता। उसके बाद बिहार में दो तरफा मुकाबला होता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आरजेडी। बस ये दो विकल्प रह जाते। नीतीश कुमार के सामने एक तो यह विकल्प था कि अपना पूरा खात्मा कर दें, मगर दूसरा विकल्प उनके सामने यह था कि वो बगावत करें और एक मिसाल कायम करें इस देश की ऑपोजिशन के लिए, जो ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से बीजेपी के सामने घुटने टेक रही है। वो तमाम विधायक जो आज की तारीख में, क्योंकि रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय से परेशान नहीं होना चाहते हैं, इनकम टैक्स से परेशान नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वो झुक रहे हैं भाजपा के सामने, इसलिए सरकारें बिखर रही हैं एक एक करके, साम दाम दंड भेद, एजेंसीज और पैसे के बल के सामने।
नीतीश को कहीं ना कहीं वो मिसाल देनी थी विपक्ष को, और मुझे लगता है कि कम से कम वो मिसाल देने में कामयाब रह पाए हैं। ये मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है सरकार का, क्योंकि इस सरकार में कई विरोधाभास हैं। नंबर एक। नंबर दो, आरजेडी का अपना इतिहास लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहते हुए आप राज्य में एक अच्छी मिसाल देंगे। आपका जो पुराना रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड फिर से नहीं बजना चाहिए, वो दबंगई फिर से नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आप छोटी सी भी गलती करेंगे तो पालतू मीडिया बिहार में फिर से जंगल राज ले आएगा। यानी कि इतने दिनों से बिहार में जो हो रहा था वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, अब बिहार में जंगल राज आ जाएगा क्योंकि वहां भाजपा नहीं है। और एक और बात, कई मीडिया जानकार ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई क्योंकि बिहार में पटखनी दे दी गई। ये सब बकवास है सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहती है तो मुद्दों पर देना होगा, एक विकल्प सामने लेकर आना पड़ेगा। इस तरह से राजनीति करके सरकार को गिरा देना, इसमें एक अनैतिकता है, मैं उससे इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंडेट आया था वो नीतीश और भाजपा के लिए था। मगर फिर हम 2015 नहीं भूल सकते, उस वक्त भी मैंडेट आया था नीतीश और लालू के लिए, मगर फिर बीजेपी घुस गई थी बीच में, वो एक अलग मुद्दा है। मैं कुछ और कहने का प्रयास कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी और इस सरकार के आलोचक सोचते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कार्ड चला है उससे बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है देश में, और उनके पास सामदान दंड भेद एजेंसीज पैसा है, उनके पास एक प्लान है जीत का। विपक्ष जब तक एक विकल्प नहीं देगी, विपक्ष जब तक एक प्लान नहीं रखेगी, तब तक वो देश की जनता के दिल में जगह नहीं बना पाएगी। इसलिए मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।